गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें रिटेनिंग वॉल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिटेनिंग वॉल का डेफिनेशन जानने क्या होता है कि रिटेनिंग वॉल आर रिलेटिवली रिजिड वॉल फॉर सपोर्टिंग सॉयल लेटरली सो दैट इट कैन बी रिटेन्ड एट डिफरेंट लेवल ऑन द टू साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो मटेरियल डिफरेंट एलिवेशंस पे हैं और हमें उस मटेरियल को उस एलिवेशन पे मेंटेन करना है, तो उसके बीच एक जो वॉल देते हैं उसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। और डेफिनेशंस के बाद मैंने एक रिटेनिंग वॉल का फिगर बनाया हुआ है। इस पोर्शन को हम स्टेम बोलते हैं। ये पोर्शन देखिए, दो एलिवेशंस हैं, एक ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, ग्राउंड लेवल यहाँ पे है आपका। ये जो होता है ये टो स्लैब होता है, ये आपका हील स्लैब होता है, ये आपका बेस स्लैब होता है, ये आपका स्टेम होता है। और ये जो मिट्टी यहाँ पे भरी होती है पीछे में, मिट्टी और लूज मटेरियल्स जो भी होते हैं उसको हम लोग बैकफिल बोलते हैं। और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर कुछ लोड आ रहा है इसका, तो उसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं। अगर वो किसी एंगल पे बना हुआ है तो वो बीटा एंगल होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सरचार्ज इंक्लिनेशन एंगल। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल पे। पहला होता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेकंड इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, थर्ड इज काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल, एंड फोर्थ इज ब्यूट्रस रिटेनिंग वॉल। ये चार तरह के हमारे रिटेनिंग वॉल होते हैं। अब आते हैं हम कि कौन कौन से फोर्स हमारे रिटेनिंग वॉल पे लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दो फोर्स लगते हैं, एक लैटरल और एक रजिस्टिंग। लैटरल का मतलब ये है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप कह सकते हैं कि आप रिटेनिंग वॉल को खुद को मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं, आपका ये जो बॉडी है ऊपर, ये आपका स्टेम है, ये आपका जो आगे का पंजे वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टो, पीछे वाले पोर्शन को हील बोलते हैं। ये जो मिट्टी इधर इधर प्रेशर डाल, इसका इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये होगा आपका। इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एक ट्रैंगल इधर बनता है। ये जो इसका बेस होता है के गामा एच, ये एच बाई थ्री पे काम करता है इसका सेंट्रॉइड। ये टोटल हाइट आपकी एच होती है। ठीक है, इसको तीन पार्ट्स में मैंने दिखा रहे, W1 जो अर्थ पे आ रहा है, W2 इस स्टेम की वजह से जो है, और W3 ये जो इसका सेल्फ वेट इसका अपना है। तो इनको वेट्स को W1 W2 W3 हमने मान लिया। दो फोर्सेस मैंने बताया कि लैटरल एक रेजिस्टिंग। जैसे मान लीजिए कि लैटरल का मतलब क्या है कि आपको कोई ढकेल रहा हो, जैसे आप खड़े हो और आप पीछे से आपको कोई ढकेल रहा हो, तो आप क्या ओवरटर्न हो जाएंगे, मतलब आप गिर जाएंगे सामने की तरफ से, आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और वो बॉडी गिरने के लिए जब आप खुद को रजिस्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, रजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे। तो दो फोर्स लगाए पे, लैटरल और रजिस्टिंग फोर्स। अब आते हैं कि अगला रिटेनिंग वॉल में हमें क्या करना। तो रिटेनिंग वॉल में हमें अगला क्या करना होता है कि रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन के, तो अब जो चेक्स हम लगाते हैं, स्टेबिलिटी चेक्स, कि हम जो रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन किए वो कितना स्टेबल है। तो पहला कंडीशन में तो ओवर टर्निंग, सेकेंड इज स्लाइडिंग, एंड थर्ड इज फेल्योर ऑफ द अंडर सॉयल। ओवर टर्निंग कंडीशन है 0.9 एम आर डिवाइड बाई एम नॉट इज ग्रेटर देन 1.4, और स्लाइडिंग के लिए 0.9 एफ आर डिवाइड बाई एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4। और फेल्योर ऑफ द अंडर सॉयल जो होता है उसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, द बेस विथ ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द अंडर सॉयल कॉज ड्यू टू लो डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट नॉट एक्सीड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। मतलब कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो सेफ बियरिंग से कम होना चाहिए। अगर सेफ बियरिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सॉयल, वो जो रिटेनिंग वॉल होगा वहीं पे धस जाएगा, वहीं पे अंदर की तरफ चला जाएगा। और उसका एक फॉर्मूला होता है पी मैक्स का, समेशन डब्ल्यू डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में 1+6E डिवाइड बाई बी इज लेस देन SBC, मतलब सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी। अगर ये कंडीशन फॉलो होती इट मीन्स ओके। सेकेंड है पी मिनिमम, फॉर्मूला सेम है बस बीच में माइनस लग गया है, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आती है तो हमारा फेल्योर ऑफ द अंडर सॉयल का स्टेबिलिटी चेक हमारा क्लियर हो जाएगा। अब थ्योरी का जो पोर्शन कुछ है वो हम अभी अपने न्यूमेरिकल में जान लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो रिटेनिंग वॉल के एक न्यूमेरिकल पढ़े, डिजाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन हॉरिजेंटल अर्थ एम्बैकमेंट ऑफ हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। द अर्थन बैकफील इज हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 18 kN/m³ एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन इज 30 डिग्री। द सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल इज 180 kN। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉयल एंड कॉन्क्रीट इज एज्यूम टू बी 0.4। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। तो ये सारा कुछ हम अपने लिए अपने पहले गिवन डेटा में लिख लेंगे, क्या क्या पहला स्टेप जो हमारा वो गिवन डेटा है। सब कुछ हमें पता है, फाई म्यू गामा क्यू नॉट एच जो एम्बैकमेंट की हाइट दी हुई है वो सब कुछ हम इसमें लिख लिया। अब जो हमारा पहला दूसरा स्टेप होगा कि कोफिशेंट और प्रेशर के ए निकालना। तो के ए कैसे निकालते हैं, 1 माइनस
साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई, फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई, जब उसको हम वैल्यू में रखेंगे तो 1 बाई 3 वैल्यू आ जाएगी। अब आया हमारा स्टेप नंबर 3, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो सबसे पहले हम मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, एच मिनिमम बराबर क्यू नॉट अपन गामा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर। क्यू नॉट हमारा क्या है आपका सॉयल बियरिंग प्रेशर है, SBC, ठीक। इसको जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो H मिनिमम की वैल्यू 1.1 मीटर आई, उसको हमने 1.2 अप्रॉक्स मान लिया। अब हमें निकालना है इसमें टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो अभी हमने तुरंत ऊपर निकाला, प्लस हाइट ऑफ इम्बैकमेंट। हाइट ऑफ इम्बैकमेंट आपको 4 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के, आप सेकेंड नंबर लाइन में देखिए 4 मीटर आपको दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 मीटर प्लस 4 मीटर, ये 5.2 मीटर हो गया। यानी स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम स्टेप 4। स्टेप 4 में आता क्या, प्राइमरी डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल। कि प्राइमरी डायमेंशन हम कैसे करते हैं, कुछ कोड के कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से कुछ हमने करते हैं। तो बेस विड्थ जो होता है इट वेरीज फ्रॉम 0.4H टू 0.6H। एच यहाँ पे क्या है, टोटल रिटेनिंग वॉल की हाइट है जो कि पिछले स्टेप में 5.2 मीटर आई थी। तो 0.4H पे हमने वैल्यू निकाली, 2.08, 0.6H पे हमने वैल्यू निकाली 3.12। हमने दोनों के बीच की वैल्यू ले ली 2.8 मीटर, यानी हमने बेस विड्थ जो अडॉप्ट किया 2.8 मीटर। आप इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2.8 मीटर ली, वो एक कैलकुलेशन पर्पस है कि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो, भी आपको आगे पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ टो इट वेरीज फ्रॉम 0.3B टू 0.4B, 0.3B टू 0.4B। बी अभी हमने ऊपर अडॉप्ट किया 2.8 मीटर, उसको हम जब कैलकुलेट किए तो 0.84 और ये 1.12, तो हमने दोनों के बीच की वैल्यू 0.85 ले ली, ठीक। अब आते हैं तीसरा, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। इट वेरीज फ्रॉम एच बाई 10 टू एच बाई 15। एच की वैल्यू 5.2, ये वैल्यू 0.52, ये 0.34, ये मीटर में है। यानी इन दोनों की वैल्यू हमने 500 mm ले ली, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 0.5 मीटर ले ली। दोनों चीज़ हमारी सेम है। तो हमने एक छोटा सा डायमेंशन बना दिया कि अगर हमारी रिटेनिंग वॉल की पूरी हाइट 5.2 थी, तो अगर हम 0.5 घटा देंगे तो ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, स्टेम की हाइट 4.7, ये 2.8, ये 0.85। अब हमें निकालना है स्टेम का जो डेप्थ है नीचे, इसे हमको निकालना है। तो थिकनेस, उसको थिकनेस भी बोल सकते हैं, इसको वर्टिकल स्टेम, वर्टिकल वॉल भी बोलते हैं, स्टेम भी बोलते हैं, इसको थिकनेस भी बोलते हैं और डेप्थ भी बोलते हैं। थिकनेस हमको निकालनी है। तो थिकनेस ऑफ स्टेम में बी एज्यूम्ड एज एच बाई 12 एट बेस, बट हियर डेप्थ रिक्वायर्ड, यह हमको डेप्थ निकालनी है, फॉर बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड, इस कैलकुलेटेड, ये हमें निकालना है। तो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा। ये देखिए, जैसे हमने ये एक रिटेनिंग वॉल हमने बनाया, ये हमने एक रिटेनिंग वॉल बनाया, ठीक, उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमने ये बनाया। अब स्टेम पे हमको निकालना है, तो स्टेम से ऊपर की हाइट अभी मैंने ऊपर बताया था 4.7 मीटर है, ये के ए गामा एच होगा और ये h बाई 3 पर काम करेगा, यानी 4.7 बाई 3 पर काम करेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्रेशर एट द बेस ऑफ द स्टेम, इस पर प्रेशर निकालेंगे, बेस ऑफ द स्टेम पर कितना प्रेशर आ रहा है। तो कितना आता है वो, के ए गामा एच, के एक्टिव अर्थ प्रेशर 1/3 आया, गामा की वैल्यू 18 आपको दी हुई है, प्लस 4.7, ये स्टेम की हाइट कितनी है 4.7 मीटर, क्योंकि आपको मैंने अभी पिछले इसमें बताया ये 4.7 मीटर, ठीक। अब ये हो गया। अब हमको निकालना है मोमेंट एट द बेस ऑफ स्टेम, मोमेंट बेस ऑफ द स्टेम पे हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 के गामा एच इंटू एच इंटू एच, ये हमारा प्रेशर हो गया, और डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, एच बाई 3 पे काम करता है, तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/6 के गामा एच क्यूब, 1/6, 1 बाई के की वैल्यू 1/3, गामा की वैल्यू 18, एच की वैल्यू 4.7 का क्यूब। तो हमारा जो मोमेंट आ गया बेस ऑफ स्टेम 103.83 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, अल्टीमेट कर लेंगे या फैक्टर्ड कर लेंगे। फैक्टर में आपको बताया था कि 1.5 से हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे 155.74 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब यहाँ से जब हमें मोमेंट निकल गया, तो आपको एज यूजल जो मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे 415 हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, MR बराबर 0.138
एफ सी के बी डी स्क्वायर, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे फॉर्मूला है, तो डी रिक्वायर्ड हो गया ये, तो डी रिक्वायर्ड अंडर एम आर डिवाइड बाई 0.13 एफ सी के, एम आर की वैल्यू आ गई 155.74 इंटू 10 की पावर डिवाइड बाई 0.138 एफ सी के 20, बी की वैल्यू 1000 लेंगे यहाँ पे, बी एक मीटर पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक मीटर लेंगे, तो डी रिक्वायर्ड की वैल्यू आ गई 238, हमने 50 mm का कवर मान लिया, टोटल डेप्थ हमारी आ गई 288, लेकिन 288 भी आई तो हम इसको अपने डिज़ाइन पर्पज से, इसको डिज़ाइन पर्पज से हमने डी की वैल्यू कैपिटल डी की वैल्यू 350 मान ली एट द बेस ऑफ द स्टेम, यानी बेस ऑफ द स्टेम पे हमने इसकी ये दूरी कितनी मान ली 350 mm, हम इस वैल्यू को चाहें तो 288 पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन हमें थोड़ी वैल्यू इंक्रीज कर ली ताकि हम फेल्योर ना हमारा, एंड रिड्यूसिंग इट टू 150 एट द टॉप, मतलब कहने का मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ पे 350 हमने मान ली और टॉप पे ये आ गया 150, मतलब ये अगर आप देख रहे होंगे कि ये एक ट्रायंगुलर, अब यहाँ पे दो डायग्राम बन सकते हैं, एक अगर इसको सीधे हम लाइन लाएंगे तो एक ट्रायंगुलर हो जाएगा एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा, यानी ये टॉप की जो ये थिकनेस होती है ये 150 mm से कम नहीं लेते हैं, और ये टोटल थिकनेस अगर 350 है और ये 150 है तो ये बीच में क्या हो जाएगा 200, क्लियर, मतलब एक चीज़ से क्लियर हुआ हमें कि जो हमारा टॉप का थिकनेस होता है, सबसे ऊपर का जो थिकनेस होता है हमारा वो क्या होता है 150 mm से कम नहीं लेना है हमको। अब देखिए इसका एक मैंने डायग्राम बना दिया है, इसका मैंने एक डायग्राम बनाया, देखिए इसको मैंने 150 को 0.150 मीटर में चेंज कर लिया, ये दूरी 350 mm, अगर ये दूरी 350 है तो जब इसको हमने ट्रायंगल खींचा तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 200 mm हो जाएगी, ये वैल्यू 0.85 मीटर आई थी, ये वैल्यू 2.8 आई थी, ये 0.5 आई थी, ये वैल्यू हमने 5.2 निकाली थी, 5.2 में से 0.5 घटा देंगे तो 4.7 स्टेम की हाइट आ जाएगी। अब देखिए अब स्टेम की हाइट आ गई तो ग्राउंड लेवल के ऊपर 4 मीटर का एम्बैकमेंट दिया हुआ था तो ये 4 मीटर, तो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी कि टोटल आपकी कितनी दूरी है, ये टोटल दूरी कितनी है 5.2 मीटर, उसमें से हमने 4 घटा दिया तो यहाँ से कितनी दूरी आ जाएगी, ये 1.2 मीटर आ जाएगी, तो ये एक हमने एक डायमेंशन क्रिएट कर लिया। अब जब डायमेंशन ने क्रिएट कर लिया तो आपको ये हाइट, ये डिस्टेंस पता थी 0.8 मीटर और ये डिस्टेंस पता है 350 mm या 0.350 मीटर, अब जब इन दोनों को जोड़ के टोटल 2.8 में से हम घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी 1.6 मीटर। एक बार आप डायमेंशंस को ध्यान से देख लीजिए, बहुत क्लियर डायमेंशन बनाई है मैंने। अब मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया, W1, W2 का 2 पार्ट और W3, एज यूजल मैंने जो आपको वेट बताया था उस पर, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैंने बना दिया है आपको, देखिए वही सेम चीज़ जो मैंने इसके पहले बताई थी अभी, के गामा एच हाइट 5.2 मीटर, तो ये आपको डायमेंशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हमको फोर्स कैलकुलेट करना है रिटेनिंग वॉल पे हमारे कितने आ रहे हैं, तो अगला स्टेप हमारा फोर्स कैलकुलेशन का है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए अब आएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल, एक टेबल बनाना होगा आपको, टाइप्स ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम टो एंड, सब कुछ हम टो एंड से लेंगे, ये देखिए इस डायमेंशन में बता दूँ सब कुछ टो एंड से लेंगे, जीरो यहाँ टो एंड से हर कुछ लेंगे, ठीक है, टो एंड और बेंडिंग मोमेंट, यानी फोर्स और ये अगर इसका पोजीशन ऑफ फोर्स गुणा कर देंगे तो बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक। तो पहला फोर्स मैंने आपको बताया था कि ओवर टर्निंग फोर्स या रजिस्टिंग फोर्स, तो ओवर टर्निंग फोर्स जो होता है, ओवर टर्निंग फोर्स जो पहला हम निकाले, ओवर टर्निंग फोर्स क्या होता है, एरिया ऑफ डिस्ट्रेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 के गामा एच इंटू एच, क्या हो जाएगा 1/2 के गामा एच इंटू एच, सब इसमें हमने वैल्यू रखी है, एच की वैल्यू यहाँ 5.2, सब वैल्यू हमने रखी है, कितने पे काम करता है एच बाई 3 पे, एच की वैल्यू 5.2 डिवाइड बाई 3, अब पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम टू एंड हमने निकाल दिया, अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा मोमेंट निकल गया यहाँ पे, ठीक, ओवर टर्निंग फोर्स। अब दूसरा जो फोर्स है हमारा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब या सेल्फ वेट वाला फोर्स कहिए आप, कह सकते हैं इसको आप, तो रिस्टोरिंग फोर्स में हमने आपको फिगर दिखाना चाहते हैं आपको कि दो, अब रिस्टोरिंग फोर्स में क्या निकालना है, एक ये मिट्टी का वेट आएगा, एक इन दोनों का वेट आएगा और एक ये W3 का वेट आएगा, इसको मैंने 3 भागों में 4 भागों में तोड़ के अलग अलग इसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहला हम डिज़ाइन करते हैं वेट ऑफ बैकफिल, वेट ऑफ बैकफिल, यानी वेट ऑफ बैकफिल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, तो आपने बीम में मैंने आपको बताया था क्या होता है, बी इंटू डी इंटू 1 इंटू गामा,
ये आपको मैंने बताया था कि वेट निकालने का तरीका होता है। तो बी की वैल्यू 1.6, डी की वैल्यू 4.7 इंटू 1 मीटर, और गामा यानी मिट्टी है, ये मिट्टी की यूनिट वेट कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। तो आप यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, बी इंटू डी इंटू गामा इंटू 1.6, ये 1.6, ये 4.7, 1 मीटर तो 1 मीटर है, और ये गामा जो इसका यूनिट वेट दिया है वो कितना दिया हुआ है आपका, 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो ये हो गया 135.36। अब ये टू एंड से कितनी दूरी पे काम करेगा, यानी यहाँ से हम ले रहे हैं ये कितनी दूरी पे काम करेगा, तो 0.85 प्लस ये डिस्टेंस, और ये एक रेक्टेंगुलर है तो इसके आधे पे इसका सेंट्रॉइड काम करेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 0.85 प्लस 0.350, 350 एमएम को मीटर चेंज कर लिया, और ये दूरी हमारी 1.6 मीटर है तो इसके आधे पे काम करेगा, यानी 1.6 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को हमने गुणा कर दिया यहाँ पे, तो हमारा इसका मोमेंट आ गया। अब हमारा अगला स्टेप है वेट ऑफ स्टेम। स्टेम को हमने दो भागों में देखिए बांटा है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन और एक ट्रायंगुलर पोर्शन, तो हम उसको दो भागों में क्लियर करेंगे। वेट ऑफ स्टेम फार्मूला सेम, बी इंटू डी इंटू गामा इंटू 1, बी इंटू डी इंटू गामा इंटू 1। पहले हम रेक्टेंगुलर पोर्शन को देख रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में देखिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 150 यानी 0.150, ये डिस्टेंस तो 4.7 मीटर रहेगी, 1 रहेगा, और गामा क्या होगा यहाँ पे 25 होगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट से बनेगा, तो यहाँ यूनिट वेट किसका लेंगे, कॉन्क्रीट का लेंगे। तो ये देखिए आप, बी इंटू डी इंटू गामा इंटू 1.150 इंटू 4.7 इंटू 25 इंटू 1, ये 17.6। अब इसका सेंट्रॉयड कितने दूरी पे काम करेगा, ये फिगर देखिए, 0.85 प्लस 0.200 मीटर, और ये भी रेक्टेंगुलर पोर्शन की है तो इसके आधे पे काम करेगा, और इसकी हाइट कितनी है, 0.15 यानी 0.15 के आधे पे काम करेगा। तो हम क्या हुआ, 0.85 0.200 मीटर प्लस 0.150 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1.125, इसको हमने गुणा कर दिया दोनों को, तो 119.82 इसका मोमेंट आ गया। अब हमें सॉल्व करना है ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ट्रायंगुलर पोर्शन हाइट तो इसकी सेम है, और इसकी विड्थ ये क्या हो जाएगी, 200 mm है, तो यानी 0.220 मीटर हो जाएगी। तो फिर वही फार्मूला, वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या होगा, एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। एरिया क्या होगा, 1/2 बी इंटू डी इंटू 25, 1/2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200.200 मीटर, ठीक, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हाइट हो जाएगी 4.7, ये 4.7 इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट 25, ये आ जाएगा 11.75। और अब सेंट्रॉयड कहाँ से कहाँ काम करेगा इसका, देखिए ये 0.85 ये तो रहेगा ही प्लस, अब ये रेक्टेंगल है तो इसके 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस पे काम करता है, तो देखिए 0.85 प्लस 2/3 ऑफ 0.200 मीटर, ये 0.98 आ गया, इसको हमने गुणा किया, इन दोनों को आपस में गुणा किया, ये मोमेंट आ गया 11.55। अब आते हैं वेट ऑफ बेस स्लैब, बेस स्लैब की बात है, ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा बेस स्लैब है, यानी इसकी बी की वैल्यू 2.8, डी की वैल्यू 0.5 मीटर, वही फॉर्मूला बी इंटू डी इंटू 1, ये इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ये 35 आया। अब इसका सेंट्रॉयड कहाँ काम करेगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो यहाँ पे आधे पे काम करेगा इसका, तो 2.8 का आधा कर दिया 1.4, और ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या किया कि ऊपर ओवरटर्निंग फोर्स का समेशन ले लिया, नीचे रजिस्टिंग मोमेंट का समेशन ले लिया, और जो वर्टिकल लोड लग रहा है उसका समेशन हमने ले लिया, वर्टिकल लोड जो हमारा नीचे की तरफ, ये वर्टिकल लोड जो हमारा सब नीचे की तरफ आ रहा है सेल्फ वेट, वर्टिकल लोड जो हमारा आ रहा है इसका हमने समेशन ले लिया, ये समेशंस की वैल्यू हमें आगे स्टेप में काम आएंगी। स्टेप नंबर 6 जो हमारा स्टेबिलिटी चेक पे हम आ गए, ठीक है, स्टेबिलिटी चेक देखिए, पहला ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग का फॉर्मूला होता है 0.9 mr डिवाइड बाई एम नॉट, एम आर की वैल्यू 351.10 आई है, आपने पिछला देखा एम नॉट रजिस्टिंग मोमेंट 140.61, ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, एम नॉट की वैल्यू 140.61 और एम आर की वैल्यू 351.1 ये आ चुकी है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 आएगा, यानी ग्रेटर देन 1.4 है, हेंस ओके, यानी हमारा ओवरटर्निंग में हमारा फेल नहीं करेगा। अब सेकंड आते हैं हम स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का फॉर्मूला होता है 0.9 fr डिवाइड बाई fs इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4। fr जो हम निकालते हैं म्यू समेशन w, म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ
0.45 लिखा हुआ है आपको, इनटू समेशन W की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देख लीजिए आप, 199.735। समेशन में ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, ये पूरा समेशंस आपके आपस में ये तीनों चारों समेशंस आपके जुड़ जाएंगे तो 199 आ जाएगा। तो हमने FR निकाल लिया, म्यू समेशन W, FS जो होता है वो आपका ओवरटर्निंग फोर्स के बराबर होता है। FS तो ओवरटर्निंग फोर्स कितना आता है, 81.12। FS 81.12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.99 आ गया, मतलब कि 1.4 से कम आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शीयर की लगा देते हैं। अगर हमारा रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग में फेल होता है तो हम शीयर की लगा देते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, हैंस शीयर की इज टू बी प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग। ठीक है, आप ये लिख देंगे। अब अगला है हमारा बेस प्रेशर, कि बेस पे हमारा कितना प्रेशर आया, बेस पे हमारा कितना प्रेशर आया। तो हमको बेस पे पहले रिजल्टेंट मोमेंट एट 200 निकालना हो, रिजल्टेंट मोमेंट। तो अगर हमें दो मोमेंट ये दिया हुआ, ये और ये मोमेंट दिया हुआ, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, MR में से M0 को माइनस किया, यानी 210 ये रिजल्टेंट हमारा आ गया। और रिजल्टेंट वर्टिकल लोड जो हमेशा समेशन W कितना आया था, 199.735, ये हमारा आ गया। अब अगर हम ये पता लगाना हो यहाँ से कि ये कितनी दूरी पे काम कर रहा था टो एंड से, तो हमने मान लिया कि x बार डिस्टेंस पे काम कर रहा है, हमने लिखा इट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस x बार फ्रॉम टो एंड जीरो। तो x बार बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट जो मोमेंट आया था और जो रिजल्टेंट वर्टिकल लोड आया था। तो जो हमारा मतलब ये पता चला कि ये टो एंड जो है, ये टो एंड जो ओ है यहाँ पे, ये जो इसका एक्स बार आया 1.05 मीटर। तो हम एक फिगर बनाए, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी दूरी हमने 2.8 मीटर मानी। ठीक है, 2.8 मीटर हमने मान ली जो हमारा बेस विड्थ था। अब हमको ओ से ये पता चल गया कि एक्स बार ये जो काम कर रहा है कितने पे काम कर रहा है, 1.05, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया रिजल्टेंट W। ठीक है, तो रिजल्टेंट लोड काम कर रहा है वो टो एंड से 1.05 पे काम कर रहा है। आपको एक चीज़ और पता है कि जब ये 2.8 है तो इसकी आधी डिस्टेंस 1.4 होगी। ठीक, इसकी आधी डिस्टेंस 1.4 होगी, और ये आधी डिस्टेंस 1.4 हुई और ये सेंट्रॉइड हुआ, तो यहाँ से कि यहाँ की दूरी 0.35 हुई, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर कोई एक डिस्टेंस है उसके आधा, और अगर उससे जितनी दूरी पे उसका सेंट्रॉइड काम करता है, उन दोनों के बीच की दूरी को ई बोलते हैं हम लोग, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो ये 0.35 किसकी वैल्यू हो गई, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो गई। या आप डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ई बराबर बी बाई टू माइनस एक्स बार, यानी बी बाई टू माइनस एक्स बार, यानी बी बाई टू यानी 1.4 माइनस एक्स बार, ये घटा दीजिए तो ये 0.35 आ गया। इसका भी एक छोटा सा चेक है, कोड ये कहता है विच लाइन द मिडिल थर्ड रूल, जो ई है वो मिडिल थर्ड रूल पे काम करता है, दैट इज कि बी बाई सिक्स फ्रॉम द सेंटर, यानी इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम क्या होगी, बी बाई सिक्स फ्रॉम द सेंटर। तो बी की वैल्यू 2.8 है डिवाइड बाई सिक्स, कैलकुलेट करने पे 0.66, मतलब ई की वैल्यू 0.66 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आई, 0.35, यानी हमारा कंडीशन ओके है। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले केस पे, जो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सॉयल अंडर, जो मैंने दो चीज़ पढ़ा दी, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग हो गया हमारा। अब हमारा सॉयल वाला केस आ गया, तो सॉयल वाला क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर एट टू एंड। मैंने फार्मूला पी मैक्स का पहले ही बता के रखा है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेटेड है, कोई ऐसी वैल्यू इसमें है नहीं जिसको पता नहीं होगा। तो पी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में 124.83 आया मीटर स्क्वायर, और सॉयल बियरिंग कैपेसिटी कितना है, 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम है, यानी हैंस ओके। ठीक, मिनिमम प्रेशर एट हील एंड, पी मिनिमम समेशन W डिवाइड बाई -35 में लग गया, फॉर्मूला दोनों सेम है। इसमें क्या कंडीशन थी, मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव होने देती, ये पॉजिटिव आया, मतलब कि हमारा ये चीज़ सही है, हमारा तीनों चेक्स हमारे पास कर गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा कैलकुल आपको उसमें गलती हो गई थी कि सॉयल ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, सॉयल बियरिंग जो सॉयल बियरिंग प्रेशर होता है 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 8 तक बता दिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो डिज़ाइन ऑफ स्टेम, डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब और डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, डिज़ाइन ऑफ स्टेम, हील स्लैब और टो स्लैब। थैंक यू।